का बॉर्डर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें यहाँ से ये ग्रीन है, येलो, और फिर आगे जाकर वाइट बॉर्डर जो है ये सी में जा रहा है। तो जी यहाँ सभी तैयार खड़े हैं, आज हमने बाय रोड स्कॉटलैंड के लिए ट्रैवल करना है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यूके में आज हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे की मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे का टाइम है। तो हम साउथ एंड ऑन सी से स्कॉटलैंड के लिए बाय रोड ट्रैवल करने लगे हैं। तकरीबन 10 से 11 घंटे में हम स्कॉटलैंड पहुंच जाएंगे, और मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी देर रुकते हैं और कितनी दफ़ा रुकते हैं। तो इस व्लॉग में आप हमारा यूके टू स्कॉटलैंड ट्रैवल देखेंगे। प्लीज़ इग्नोर करें मेरी आवाज़ को, क्योंकि वेदर शायद चेंज होने की वजह से यूके आते ही मेरा गला जो है वो ख़राब हो गया है, और मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ। क्योंकि कंबोडिया में सारा साल, आपको पता है कि कंबोडिया ट्रॉपिकल है, तो वहाँ पे सारा साल नॉर्मल सा वेदर होता है। हालांकि यहाँ पे समर है, और समर होने के बावजूद हमारे लिए काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। तो होपफुली एक दो दिन में मेरा गला जो सेट हो जाएगा। और यहाँ जी एक प्रॉब्लम हो गई, अभी हम अपना सफ़र शुरू ही करने लगे थे कि एक गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस गाड़ी के सारे सामान को बाहर निकाला जाए और सारी डिग्गी चेक की जाए। और जब सारा सामान निकाला गया तो वाकई ही चाबी उसमें से मिल गई। इसकी वजह से काफ़ी हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तो जी अभी हम मैकडोनल्ड ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। सब ने ये डिसाइड किया कि हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, तो 3-4 घंटे हमारे आराम से गुजर जाएंगे, और फिर लंच के लिए हम रास्ते में कहीं रुकेंगे और फिर लंच करेंगे। आशा, ये गाड़ी में नेक्स्ट टाइम छोड़ के आएंगे आप? यहाँ सभी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं। चले जी सफ़र हमारा शुरू होता है। ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, लगता है सून बारिश आ जाएगी। भाई इतने प्यारे मनाजर है ना बाहर के, इतना प्यारा लग रहा है, हर चीज़ लश ग्रीन, फील्ड्स इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं कि मेरा तो कैमरा रखने को दिल ही नहीं कर रहा, दिल कर रहा है हर चीज़ ही कैप्चर हो जाए। वो देखें पीछे फील्ड्स में बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस लगी हैं। और यहाँ जी 3-4 घंटे ट्रैवल के बाद हम एक जगह रुके हैं। यहाँ पे बच्चों ने स्नैक्स वगैरह लिए, जिसने वॉशरूम वगैरह जाना था वो गए, और फिर से अभी हम अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें मुर्गाबियों का इतना प्यारा गौल हमारे सामने से गुजर रहा है। चलें जी यहाँ हम स्कॉटलैंड एंटर हो गए हैं, और यहाँ पे उतर के हमने 2-3 पिक्चर्स बनाई, और यहाँ से हमारा ट्रैवल 2-3 घंटे और है, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट पैट्रिक है। भाई वेदर चेक करें, कमाल का मौसम हो रहा है। और यहाँ जी एक बार फिर हम रुके हैं, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को चार्ज करना था, जिसके लिए हमें तकरीबन 1 घंटा रुकना था। तो यहाँ पे बच्चों ने स्नैक्स वगैरह ख़रीदे, और हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से ही सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेड वगैरह, चीज़ें वगैरह नाश्ते में जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं, क्योंकि हमें लेट नाइट पहुँचना था वहाँ पे, और पोर्ट पैट्रिक जो है वो एक गांव टाइप जगह है,
तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी होनी, तो हमने कहा कि सुबह उठने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से ही कुछ चीज़ें नाश्ते के लिए ख़रीद लेते हैं। एक तो बच्चों का टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा और दूसरा ये टेंशन भी नहीं हो गई कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अब क्या किया जाए। चले जी, ये अभी कुछ ग्रॉसरी कर ली है हमने ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ सॉसेजेस, ब्रेड, बेक बीन्स वगैरह लिए हैं। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते भी काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी हो गई है। सिर्फ छोटी चीज़ों को हम बैग में डाल लेंगे और बड़ी हम हाथ में ही पकड़ेंगे, क्योंकि गाड़ियों में इतनी जगह ही नहीं है कि हम इतना सामान रख सकें। ये देखें लिडल पे हम रुके हैं, वो देखें सभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, सामान उसमें रखते हैं, और अभी भी तकरीबन 15 से 20 मिनट और हमें चाहिए। आशा, आशा के पास तो कोई अब ये देखें सामान पकड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रुप जो है वो ग्रो होता जा रहा है। हाँ, और यहाँ जी गाड़ी को चार्ज होने में 15 से 20 मिनट रह गए हैं, तो जो चीज़ें बच्चों ने पकड़ी हुई थी हमने कहा कि चलो उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, इसी तरह करते कराते जो है वो ये टाइम पास हो जाएगा। व्हाट इज दिस अमनीर? हाँ, वाह भाई वाह, वेरी नाइस। चले जी, फिर से हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है, और मेरा ख्याल है कि ये लास्ट टाइम था कि हम रास्ते में रुके हैं, अभी चलते ही जाएंगे, क्योंकि रात के तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है। और ये देखिए अभी वो जो वाइट वाइट सारी नज़र आ रही है ना, वो सारी शीप है ना। हाँ, ऐसे लग रहे हैं पेपर वाकई दूर है ना। यहाँ मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये जो वाइट वाइट नज़र आ रही है ना, ये दूर से ऐसे लग रहा था जैसे पेपर पड़े हैं, जबकि ये सच में शीप है। इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी ना, एक तो हम फास्ट जा रहे थे और रात का भी टाइम हो रहा था, तो इतना क्लियर कैप्चर नहीं हो सका। तो जी रात के तकरीबन 12:30 हम पोर्ट पैट्रिक पहुँच गए थे, बहुत बारिश हो रही थी और टायर्ड भी बहुत थे, और बाहर से मैं कुछ कैप्चर नहीं थी कर सकती क्योंकि इतना डार्क था, तो मैंने यहीं पे व्लॉग का एंड कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी जी मैंने और भाभी ने उठ के सबके लिए नाश्ता रेडी किया है, बेक बीन्स, सॉसेजेस और ब्रेड, साथ में कुछ बेकरी के आइटम्स भी थे, क्रोसन वगैरह। कुछ ऑलरेडी टेबल पर आ गए थे और कुछ अभी आ रहे थे। एक्चुअली बच्चों को उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो सभी बहुत टायर्ड थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता सभी टेबल पे आ गए हैं और सभी मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये रही जी फर्स्ट हमारी ग्रुप फ़ोटो पोर्ट पैट्रिक में। तो जी अभी हम कम्युनिटी हॉल की तरफ जा रहे हैं। जब हम पहुँचे ही थे पोर्ट पैट्रिक, तो जो इस घर की जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं लुक आफ्टर करती है, तो उसने बताया कि सुबह कम्युनिटी हॉल में एल्विस प्रेस्ले आ रहा है, यहाँ पे कोई फेयर चल रहा है जो मॉर्निंग से 10 बजे से शायद 12 बजे था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सुबह बच्चों को नाश्ता करवा के चले गए, क्योंकि बच्चों में से तो कोई जाना नहीं चाह रहा था, वो इतने टायर्ड थे तो उनमें से कोई भी रेडी नहीं था हमारे साथ जाने के लिए, तो इसलिए सिर्फ मैं, आबिद, बॉबी भाई और भाभी गए। और जी ये कम्युनिटी हॉल तक हम वॉक करते जा रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और ये इसके साथ साथ ये देखें, ये सी के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा
ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं, कमाल के। मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल इसके सामने ही हमारा घर है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, हमारा घर कह रही हूँ, जो जहाँ पे हम ठहरे हैं। रात को तो हमें पता नहीं था चल रहा, लेकिन सुबह होते ही इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं आपको सारा दिखाती हूँ। और अभी सबसे पहले चल के तो एल्विस प्रेसले से मिलते हैं। क्या बात है, इधर दिखाऊं तुझे मैं, इधर खड़ी हो, आप देखना जरा, ये देखें, ये पीछे जो कुछ घर नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं घरों में से एक घर में हम ठहरे हैं। बहुत प्यारा लगता है, हमारे बेडरूम की विंडो से सारा सी नज़र आता है, बड़ा ही खूबसूरत। मैं आपको रूम की भी दिखाऊंगी। ये पोर्ट के इर्द गिर्द एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी बड़ी कम है, कुछ घर हैं और एक दो जो हैं वो होटल भी हैं, जहाँ पे लोग आके, क्योंकि सर्दियों में तो कोई नहीं टूरिस्ट आते, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। चले जी, कम्युनिटी हॉल में हम आ गए हैं और अभी अंदर चल के देखते हैं। हम तो थोड़ा लेट ही आए हैं, लोग तो टाइम पे आके एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। आप देखें, यहाँ पे जितनी भी गैदरिंग है वो ज़्यादातर ओल्ड पीपल थे। आपको पता है कि आजकल के नौजवान तो बस बच्चे जो है वो मोबाइल और आईपैड लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं, लेकिन इतने ज़िंदा दिल ओल्ड पीपल थे ना, डांस कर रहे थे, गा रहे थे, बड़ी मौज मस्ती हो रही थी। जब हम पहुंचे तो आपको जैसे मैंने बताया कि हम तो काफ़ी लेट आए थे, तो हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, अभी हम खड़े ही देख रहे थे। और लोग बता रहे थे कि अभी कुछ ही देर में एल्विस प्रेसले की एंट्री होगी, सभी एक्साइटेड बैठे हुए थे, क्योंकि वो बार बार अनाउंस कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर में वो आ रहा है, थोड़ी देर में वो आ रहा है। चले जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आखिर वो शाहकार आ ही गया है जिसका लोग और हम भी इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। वाह जी वाह, बिल्कुल उसकी डिटो कॉपी लग रहा था और गा भी बिल्कुल, आवाज़ भी वैसी ही लग रही थी। इधर आबिद और वो भी भाई बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद हमें भी जगह मिल गई थी बैठने की। चले जी, हम अभी बाहर आ गए हैं, शो तो अभी ऑन था, लेकिन हमने कहा कि हम बाहर चल के ज़रा नेचर को देखते हैं, पोर्ट पैट्रिक की ब्यूटी को देखते हैं। हमारे लिए तो ये सब कुछ नया था, वो भी भाई लोग तो तकरीबन हर साल ही आते हैं समर में। फिर चल के बच्चों को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तकरीबन दो ढाई घंटे तो हमें भी हो गए थे आए हुए भैया। और जी, ये कम्युनिटी हॉल के सामने ही बिल्कुल एक बॉलिंग क्लब है, पोर्ट पैट्रिक का बॉलिंग क्लब है, तो एक दिन हम ज़रूर सारे मिलके यहाँ भी आएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये देखे, इधर ऐसे लग रहा है मटर के, ये सूखे मटर क्या? हाँ, बनाने का प्रॉब्लम। और जी, ये पोर्ट पैट्रिक का छोटा सा मैप है, यानी सारा इंट्रोडक्शन है, क्या है इधर, क्या चीज़ है, किस लिए ये फेमस है, सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये राइट हम ये पोर्ट पैट्रिक ये देखा ना, लिखा हुआ है ऑलवेज टेक वॉटरप्रूफ एंड वार्म क्लोथिंग।
हालांकि हम समर में इधर हैं और उसके बावजूद हमने जैकेट्स और अपर्स पहने लग नहीं रहा यहाँ पे, है ना, दिसंबर की तरह का समर तो लग नहीं रहा, लग रहा है दिसंबर में इधर आए हुए। और दिसंबर में क्या हाल होना, विंटर में क्या हाल, ऐसे सारे बच्चे मिलके तो ये अंदर बैठे हैं, वही ना यहाँ बोल भाई ने कहा कि मैं जंप करके इस तरफ को आता हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैं उनको मना कर रही थी लेकिन आखिर उन्होंने कर लिया। इतना तेज पानी था मुझे तो उसकी आवाज़ से खौफ आ रही थी। ओह माय गॉड, वाओ, और यहाँ जी फिर थोड़ा फोटो सेशन हुआ, आपको पता है कि ये तो जरूरी है फिर। ये मिस हो गया, अभी करना थोड़ा मैं जरा। ये देखें यहाँ का वाटर जो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें यहाँ से ये ग्रीन है, येलो और फिर आगे जाकर वाइट। मज़े का व्यू है, ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हम इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। ये देखें वो पीछे से और फिर वो ये सारा वाटर जो है ये सी में जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो। यहाँ मैं बोल भाई को कह रही थी कि हम पिक्चर में मोटे तो नहीं नजर आ रहे, तो वो कह रहे थे कि जो है वो तो नजर आएगा। जाएंगे किधर, वो वाले भी साइड से है, वो अच्छी छाल आती है, आज तो छाल कम है लेकिन इससे भी ज्यादा होती है छाल। यस, वाओ, मैंने कई दफ़ा नोटिस किया पानी के पास जाओ पानी ज़्यादा, हाँ ज़रूर करता है, ऐसे अट्रैक्ट होता है मेरी तरफ, तुम लोगों की तरफ भी हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो। ये देखें हमारे साथ साथ बर्ड्स भी इंजॉय कर रहे हैं, ये जब तक हम उधर रहे ये भी ऐसे ही इधर बैठे रहे। गौर से सुने तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ें निकाल रहे हैं। देखे जब से हम इधर आए हैं वेदर ऐसा ही है, क्लाउडी क्लाउडी सा, लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। मैं प्रेयर ही कर रही थी कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होती है ना तो फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा इंजॉय नहीं कर सकते। चलें जी, जैसे ही हम वहाँ से वापस आए तो अभी हम ग्रॉसरी के लिए आ गए हैं, क्योंकि लंच डिनर के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो लंच के लिए डिनर के लिए 1-2 दिन के लिए चीज़ें अभी हम ख़रीद लेंगे, क्योंकि ये अभी हम तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर
दूर ग्रॉसरी के लिए आए हैं, क्योंकि करीब ऐसी कोई इतनी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ से ये सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि वो विलेज है तो वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में चीज़ें नहीं थी मिलती। पाइनएप्पल पसंद है, लेकिन ये मेरे ख्याल है ये पैशन वाला और ये मिक्स, ये ज़्यादा मज़े का होगा। और यहाँ जी हमने दो दिन के मील्स की ग्रॉसरी कर ली है, यानी क्विक मील्स की, जो जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पे हर चीज़ तकरीबन मौजूद है, ओवन, माइक्रोवेव वगैरह, तो हम जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि जब हम पोर्ट पैट्रिक में ही इधर उधर फिरेंगे तो हम घर पे तैयार किया हुआ खाना ही खाएंगे, जो बच्चे पसंद भी करते हैं, और हमारे लिए इजी भी होगा कि हम बार बार कभी लंच के लिए जा रहे हैं, कभी डिनर के लिए, कभी ब्रेकफास्ट के लिए, और जब हम कभी कहीं दूर इधर उधर जाएंगे तो तब हम बाहर से खाना खाया करेंगे। हमारे पास है, हाँ, ये बॉबी के पास है। अच्छा ठीक है। कभी कभी हम फिश एंड चिप्स कर लेते हैं, जैसे ये इसमें से चार पीस निकले, हाँ हाँ, हम ये बेक करते हैं और सात चिप्स, हाँ ये ज़्यादा। चले बस ठीक है, जो ज़्यादा पसंद बच्चे करते हैं हम वही लेते हैं। चार छः, ये फ्राइज भी हैं, वो देखें, हाँ ये निकाले, ये क्या है, एक ले लेते हैं साथ। जी ये हॉलीडेज ग्रॉसरी हो गई है, क्योंकि यहाँ हमें ए टू जी हर चीज़ लेनी थी जो हमें चाहिए थी, बेसिक चीज़ें। चलिए जी, ग्रॉसरी हमारी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी चल के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं।